19 तारीख को आज ये एयरपोर्ट शमशाबाद में एक चीटिंग हुआ था, जिसमें सस्ता में सोना मिलता है बोल के एक बंदा ने 32 लाख एक केजी गोल्ड मिलता है बोल के वो चीटिंग करके उनसे लिया था। उस बंदे को आज हम गिरफ्तार किया था, जिसमें एक 19 नंदूरी राम प्रसाद बोल के एक विजयवाड़ा में रहने वाला है, इनको एक बंदा सुधाकर A1 जो है अक्यूज्ड, वो सुधाकर ने उनको ये भरोसा दिलाया कि एयरपोर्ट में कस्टम्स वाले ने सस्ते में सोना बिकता है बोल के उनको भरोसा दिला के उनसे 32 लाख रुपीस लिया था। ये जो सुधाकर है वो पहले 10th क्लास तक पढ़ा था, कड़ापा जिला के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद वो 10 साल पहले इधर ही एयरपोर्ट में कोई एक रेड्डी नाम के बंदे ने उनसे 2,50,000 रुपये उनसे लेके सोना देता है बोल के ले दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने 5 साल पहले एक सुब्रमण्यम बोल के उनसे 6 लाख लिया था ये सुधाकर कि सोना दिलवाते हो बोल के, फिर वो भी नहीं दिलवाया था। फिर अभी ये 5 महीने से एक दोस्त रमना से इनसे मिला है सुधा A1 विक्टिम राम प्रसाद को इंट्रोड्यूस किया फ्रेंड जैसा। फिर इंट्रोड्यूस होने के बाद उनको बोला कि मैं एयरपोर्ट में एयर इंडिया में काम करता हूँ बोल के ये आईडी कार्ड भी दिखाया, एयर इंडिया का आईडी कार्ड। फिर ये दिखा के उन्होंने बोलने लगा कि मेरे को एयरपोर्ट में दोस्त है कस्टम्स डिपार्टमेंट में बोल के, एक नागार्जुन रेड्डी बोल के उनके गाँव का लड़का है, उनको दिखा के बोलने लगा कि एयरपोर्ट में कस्टम्स में काम करता है बोल के, और उनसे भी बात करवाया कि गोल्ड सस्ते में दिलवाते हैं। फिर उनको जब मालूम, उनको जब एक भरोसा आया तो फिर उनसे 32 लाख रुपीस उनसे मंगवाया, 32 लाख उनसे मंगवा के फिर उनको एयरपोर्ट आने को बोला। 19 तारीख को एयरपोर्ट आने के बाद उनसे 32 लाख रुपये लेके फिर बोला कि मैं अंदर जाके सोना लेके आता हूँ बोल के एयरपोर्ट के अंदर जैसा गया, फिर उधर से नीचे जाके फरार होके सीशलम जाके उधर से खड़पा बुद्धटूर जाके उधर पैसे से 4 तुले एक चोल एक चेन बनाया गोल्ड का चेन। फिर उसके बाद जो बाकी पैसे है उसमें से 1 लाख रुपये A2 नागार्जुन रेड्डी को दिया है, और बाकी उन्होंने वाराणसी को गया, वाराणसी को काशी को टेम्पल को जाके उधर वो एक 5 महीने पहले उधर प्रेयर किया कि 30 लाख से जितना भी ऊपर आएगा मैं हुंडी में डालूंगा बोल के। फिर इधर 30 लाख से 2 लाख ज़्यादा आया बोल के 2 लाख हुंडी में डाल के फिर वापस आया था। फिर आज इधर पकड़ में आया, इसमें DCP SOT संदीप और इंस्पेक्टर SOT वेंकट रेड्डी और ACP शमशाबाद भास्कर और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट विजय कुमार और SOT का स्टाफ सब इंस्पेक्टर सभी ने मिलके ये आदमी को पकड़ा है। और हम सबको पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी ऐसे सस्ते में सोना मिल रहा है, नहीं तो सेलफोन मिल रहा है, नहीं तो लिकर का बॉटल मिल रहा है, नहीं तो कुछ और चीज़ मिल रहे हैं, तो पूरा आप भरोसा मत करना। जो भी आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर पुलिस को बताना, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहे हैं कि जो 50 लाख 1 kg होता है कम से कम आज के रेट में, वो अगर 30 लाख में या तो 32 लाख में दे रहे हैं तो वो बिल्कुल चेक करने का मामला है। और जो भी ये कस्टम्स डिपार्टमेंट सीज करते हैं वो बाहर वो नहीं बेचते हैं,
वो सीज करके कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी ऐसे आपको भरोसा दिला रहा है कि सस्ते में सोना मिलेगा नहीं तो सेल फोन मिलेगा, वो भरोसा मत करना और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना। सर अभी कितने लोगों को अरेस्ट किया है? अभी दो जनों, आज दो लोगों को अरेस्ट किया है, जो सुधाकर जिन्होंने एयर इंडिया का स्टाफ बोल के उनसे पैसे लिया है, और दूसरा नागार्जुन रेड्डी जो कस्टम्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर बोल के पैसे लिए। कोई केस में इन्वॉल्व है साहब? नहीं नहीं, अभी तक तो केस में इन्वॉल्व नहीं था। पहले एक बार ऐसे 6 लाख लिया था किसी से और वो केस नहीं हुआ। तो अभी वो भी केस करेंगे सर, जो प्रीवियस का लोग जो लिए थे पैसे नहीं हुआ था।